हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच जी के न्यूज नॉलेज में। राजस्थान में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के तहत सोमवार को मोदी गद्दी छोड़ो अभियान का आगाज किया गया। किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुँचे और राष्ट्रपति के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले जंक्शन स्थित धान मंडी में किसानों की बड़ी सभा हुई, जिसको पूर्व विधायक व किसान नेता अमराराम चौधरी, पूर्व विधायक हेताराम बेनीवाल, माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने संबोधित किया। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की जायज मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही है। भाजपा के स्थानीय नेता व कार्यकर्ता किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं, इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र सरकार से अब सिर्फ किसान ही खपा नहीं है, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल व गैस की कीमतों में बेतहाशी बढ़ोतरी और बढ़ती बेरोजगारी और श्रम कानून में मनमाने बदलाव के चलते मध्यम वर्ग और मजदूर भी नाराज हैं। इस स्थिति को देखते हुए संगठन ने मोदी गद्दी छोड़ो अभियान शुरू किया है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार अपने रवैये में बदलाव नहीं कर दे। सभा में किसान नेता सौरभ राठौड़, रेशम सिंह माणुका, रघुवर वर्मा, गौरी शंकर थोरी, जगजीत सिंह जग्गी, बलदेव मक्कासर, श्रमिक नेता सतपाल दामड़ी आदि मौजूद रहे। किसानों के लिए बढ़ती महंगाई के चलते गरीब परिवार का जीना दुश्वार हो गया है, इसलिए मेरे किसान भाइयों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे किसानों को राहत मिल सके और पीएम मोदी तक यह संदेश पहुँच सके। जय जवान जय किसान।